अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। आज हम इंदौर के प्राचीन और विख्यात भैरव बाबा जो हवा बंगला से फुटी फुटी के बीच रोड पे पड़ते हैं जेएनयू के नानी माँ की धर्मसा के पास में, जिनका नवनिर्माण तरीके से उद्घाटन किया गया है, और मैं इनके आगे संचालक जो कर्ता धरता उनसे संवाद लेना चाहूँगा कि बताएंगे क्या और किस तरीके से आपने आयोजन रखा गया आज। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम गुलशन जाटव है सर। ये प्रति वर्ष सब भाई लोगों के ओर से कार्य होता ही है, पर क्या है किसी वर्ष के कारण मूर्ति खंडित किसी ने कर दी थी तो वापस निर्माण किया गया है। ये हमारे शुभम भाई है, इनके नेतृत्व में, और हमारे सुमित भाई पाटिल जी हैं, ये हमारे चाचू जी हैं, हमारे अरविंद भैया जी हैं, सब इनके नेतृत्व में, और हमारे वीरेंद्र मामा जी हैं, इनके नेतृत्व में काम हुआ है। और बाबा चाहेंगे हर साल प्रतिवर्ष प्रोग्राम यही रहेगा। मैं जानना चाहूँगा कि ये मूर्ति कितने सालों से यहाँ पे विचारी है। ये जो मूर्ति है बहुत अति प्राचीन है और परम सिद्ध है। यहाँ पे कोई भी अगर मनोकामना अपन लेके आते हैं तो उसको बाबा जरूर पूरी करते हैं, और उन्हीं के प्रेरणा अनुसार आज हम सब लोग एकत्रित हैं, और भव्य जीवन में भी आगे भविष्य में भी हम इसी प्रकार का आयोजन करते जाएंगे और हिंदुत्व का नारा लगाते जाएंगे। जय जय किस सिद्ध भैरव नमः, ये यहाँ का नाम है। इनका भी लिखवाना अभी बाकी रह गया, थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं हम लोग, और जैसे वो आगे करेंगे ऐसे ऐसे और भविष्य में और भव्य हम लोग करते जाएंगे। काफी समय से देखते आ रहे हैं, और ये मूर्ति हमारे दादा परदादाओं के समय से, उसके पहले से भी है। ये बहुत प्राचीन और सिद्ध है, जहाँ पे अगर कोई भी आपने सच्चे दिल से मनोकामना कर ली तो आपकी मनोकामना बाबा जरूर पूरा करेंगे। जय काल भैरव। अभी आपने देखा, आपने सभी लोगों से सुना कि किस देर पुरानी मूर्ति है और किस टाइप से ये प्रसिद्ध है यहाँ पर। मैं सभी श्रद्धालुगण, बहुत सारे जन आज इतना भंडारा का आयोजन रखा गया था, और आप देख सकते हैं आज बहुत तादाद में महिला बच्चे और सभी शहरवासी आए हुए हैं। तो मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ इंडियन टीवी न्यूज़ के हिसाब से, और सभी को धन्यवाद और काल भैरव को नमस्कार। जय काल भैरव, जय भैरव का भी स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हम इंडिया टीवी संवाद लेना चाहूँगा, वो कुछ शब्द कहना चाहेंगे। यहाँ प्राचीन समय से चलता आ रहा भंडारा, और यहाँ इंडिया टीवी के सभी जो भी न्यूज़ के सभी भैया हैं जो बहुत सहयोग करते हैं, और इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि सभी युवाओं को आकर्षित करते हैं और इनका सभी लोगों को लेके चलते हैं और सहयोग करते हैं। इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।